200 ने ज्वाइन कर लिया डर्ट बाइक जो कि फुल्ली मॉडिफाइड है, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखे होगा, पिछली वीडियोज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजित एंड आई एम वाचिंग ब्रूटल राइडर चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्टली 180 NS 200 ब्लैक वुल्फ अपना, ब्रूटल अपनी यहाँ पे, और सबसे एंड लास्ट में खड़ी है 390। सो बंदे पूरे आ चुके हैं, आधी गैंग आगे हैं, दो बाइकें हैं, तीन बाइक आगे ज्वाइन करेंगी, तो बस यहाँ से पैकअप करते हैं और निकलते हैं। सो मिलते हैं सीधा बाइक पे, और आज राइड है हमारी बीर बिलिंग की, तो काफ़ी एंजॉय होने वाला है, तो देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। बारिश ना हो बस, मौसम तो साफ है। सो गाइस चलें। So here we go. So guys, नगरोटा से निकल चुके हैं एंड बंदे पीछे आ रहे हैं और ट्रैफिक बहुत है यार। आज ये आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक है। एंड ये आ गया अपना अभी अपने महाजन जी और पीछे चल रही 390। तो अब बस बूस्ट मोड ऑन करते हैं और निकलते हैं। बस 200 ने ज्वाइन कर लिया डर्ट बाइक जो कि फुल्ली मॉडिफाइड है, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखे होगा, पिछली वीडियोज में। और ये भाई आ चुके हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ से निकलते हैं अभी सीधा बीर बिलिंग के लिए। सो फुल पावर है सारे, 390 का भी इंजन ऑयल भाई ने फिलअप करवा लिया है, चेन लूप हो गई है। सिर्फ चेन लूप यहाँ पे मेरी नहीं है और एक डर्ट बाइक की नहीं होगी, एंड अभी तेरी तो लूप है, तू घर पर करता है। सो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। सो ये भी गाइस, लेट्स गो। मैंने इनको बोला था लीड करने का, तो भगाएंगे। एक्चुअली मुझे रोड का पता नहीं है वीर बिलिंग के, कहा मैं एक ही बार गया हूँ तो अच्छे से लर्न नहीं कर पाया मैं रोड। और मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, बारिश ना हो आगे चल के, बस दिक्कत बस यही है वो भाई साहब रोड है कि क्या है। ओ भाई साहब ये क्या गया 390। और आपको यहाँ की मार्केट से दिख ही रहा होगा, मतलब पता चल ही रहा होगा कि हम पालमपुर पहुँच चुके हैं। और ये आगे सामने गुरुद्वारा, जब भी मैं आता हूँ मेरे को अलग सा फील आता है, बहुत सेक्सी फील, मतलब हर जगह। लास्ट संडे है गाइस, फिर भी यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा बंदे हैं, और अपने एक आंकड़े पर संडे को सब बंद होता है। बस ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। ओ भाई साहब बस वाला कि ना बाहर चला था, एक महान इंसान है जिन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया था। हम जा रहे थे सौरभ वन विहार और इसने वो गलत ट्रैक पकड़वा दिया था मेरे से, तो अभी हम सही ट्रैक पर हैं और फिर चले अपने दीक्षित भाई। कोई पावर हो भाई साहब, खतरनाक ही बंदे। ओ रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ राइड वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे को डर इस बात कर रहा था कि रैश ना हो जाए और थूक ना जाए। तो गाइस ओ डर्ट बाइक के ऊपर लीनिंग चेक करो, मतलब डर्ट बाइक है बंदे के पास। ओ thank you.
यार खतरनाक ड्रिफ्टिंग हो रही है इस पे, खतरनाक यार। और एक्चुअली हम एक दूसरे से रेस नहीं कर रहे हैं इस टाइम, फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे, कॉन्स्टेंट स्पीड 80 90 चले हुए हैं, नॉट ए रेस। ट्रैफिक बढ़ते हुए, ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है, ये देखो। तो यहाँ पे पेट्रोल फिलअप करवाना है भाई को, तो हम भी रुक ही जाते हैं। या भाई साहब खतरनाक, रोड के लिए नहीं यार। क्या हुआ? ये बाइक रोड के लिए नहीं है। नहीं भाई ड्रिफ्टिंग हो रही है खतरनाक है, खतरनाक हो रही है स्लाइडिंग। नहीं ये पता है एक टेक्निक होती है टर्न लेने की, ये ऐसे टांग बाहर निकाल के, ये उधर पीछे बचा भी तभी है। हाँ, ये निकाल ली थी। नहीं ये बंदा ऑफ रोडिंग करते हैं ना, जो उनको आदत पड़ जाती है वो ड्रिफ्टिंग करते हैं हर टर्न पे। कपड़े तो नहीं गंदे हुए मेरे, बाइक तो पूरी गंदी हो चुकी है गाइस, देख लो आगे होंगे गंदे। ये है कुछ बाजार, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये कौन सी लोकेशन है। और बैग अपन ने दे दिया है अभी को, बिकॉज बहुत देर से मैंने बैग डाला हुआ ही था। एंड ये चल रही है अपने पीछे 390, बस थोड़ा दूर हो रहा है वीर विलिंग, पहुँच जाएंगे जहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। ये निकले हम, बाजार वगैरह मैंने, आज संडे है, दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। मुझे पता था बाइक नहीं निकलेगी, खुद भी सेफ रहो दूसरों को भी सेफ करो। अब निकालो, ये होती है बिल्कुल खराब कैलकुलेशन, बिल्कुल खराब कैलकुलेशन। निकलेगी क्या? निकलेगी? नहीं निकलेगी। सारी गेम कैलकुलेशन की है गाइस, ट्रैफिक में कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप आराम से निकाल पाओगे, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।